दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉस्ट कंपैरिजन बिटवीन लैपिंग और कपलर की। दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ लैपिंग की, तो लैपिंग के अंदर जो आपका स्टील यूज होता है वह स्टील आप देख सकते हैं दो स्टील यूज हो रहे हैं, क्योंकि लैपिंग के अंदर आपको एक स्टील के साथ दूसरा स्टील लैप करना रहता है। अब मैं यदि बात करूँ कि स्टील के अंदर लैपिंग कितना होना चाहिए, तो यह जो लैपिंग है दोस्तों यह डिपेंड करता है आपके ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर। जैसे जैसे आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लेंथ ऑफ लैपिंग कम होता जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं M20 के लिए 57D, M25 के लिए 49D, M30 के लिए 46D और M50 के लिए 38D। मतलब कि लैपिंग जो है आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है, जैसा ग्रेड ऑफ कंक्रीट वैसा आपका लैपिंग का लेंथ। अब यदि मैं बात करूं कपलर की, तो कपलर के अंदर क्या होता है, एक स्टील के साथ दूसरा स्टील थ्रेडिंग के द्वारा कपलर को क्या किया जाता है, जॉइंट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम कॉस्ट कंपैरिजन समझ लेते हैं। यदि मैं बात करूं मार्केट में एज पर ISCode 16172 के हिसाब से, तो जो कपलर का कॉस्ट होता है एस पर डाया 16 mm के लिए 25, 20 के लिए 45 और लास्ट 40 mm डाया के लिए जो आपको कपलर रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए कपलर का रेट 188 rupees होता है। दोस्तों कपलर डायरेक्टली स्टील के ऊपर नहीं चढ़ता है, उसके लिए आपको स्टील के अंदर क्या करना रहता है, थ्रेडिंग करना रहता है। थ्रेडिंग करने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर कपलर चढ़ा सकते हैं। तो जो थ्रेडिंग का रेट होता है एस पर डाया, जैसे कि यदि आपका कपलर 16 mm का आप यूज करेंगे तो उसका थ्रेडिंग का रुपीस क्या होगा, 12 rupees, 20 mm के लिए 20, ऐसे ही 40 के लिए आपका कितना होगा, 74 rupees। तो आपका यदि आप कपलर यूज करते हैं ओनली थ्रेडिंग के लिए, तो आपका रेट कितना हो जाएगा, रेट होगा कपलर विथ थ्रेडिंग तो आपका 37 rupees 16 mm डाया के लिए, 20 के लिए 65, इस तरह से आपका कपलर का रेट होगा। और यदि मैं लैप का कॉस्ट निकालूं, तो लैप के लिए यदि मैं कंसीडर करूं 50D, तो 50D के लिए यदि अगर मान लीजिए मार्केट में आप स्टील का रेट 50,000 है, तो 16 mm डाय के लिए आपका लैपिंग का रेट कितना निकलेगा, 79, 20 के लिए 155 एंड द लास्ट 40 के लिए कितना होगा, 1245 rupees। ये रेट कैसे निकला दोस्तों, 50D मतलब कि मान लीजिए 16 mm का डाया है तो 50 × 16, ओके तो कितना आया, 800। दो स्टील आपका यूज होगा लैपिंग के लिए, तो 800 + 800 मतलब कि कितना हुआ, 1.6 meter। 1.6 मल्टीप्लाई बाय आज का करंट रेट क्या है मार्केट में, 50 rupees है पर केजी, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 50 आप करेंगे तो आपको 79-80 rupees आ जाएगा। अब यदि दोस्तों अगर मैं बात करूं कि यदि मैं कपलर यूज करता हूं लैपिंग की जगह, तो मुझे कितना रुपीज सेव होगा, तो 79 - 37 = 42 rupees। इसी तरह से आप देख सकते हैं जैसे जैसे डाया बढ़ेगा वैसे वैसे आपका सेविंग्स बढ़ेगा। दोस्तों यह तो हमने बात करी थ्रेडिंग के लिए, यदि मैं बात करूं कोल्ड फोर्जिंग के लिए, तो कोल्ड फोर्जिंग के प्रोसेस के अंदर आपको स्टील को पहले क्या करना होता है, उसका डायमीटर बढ़ाना होता है। कोल्ड फ्रोजिंग प्रोसेस के अंदर आपको जहां पर स्टील को थ्रेडिंग करना रहता है उस पोर्शन के अंदर उस हिस्से को हमें क्या करना रहता है, एनलार्ज करना पड़ता है, उस हिस्से को हमें बढ़ा देना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड फोर्जिंग करना। कोल्ड फोर्जिंग करने के बाद आपको क्या करना रहता है, उसके बाद उसको थ्रेडिंग करना रहता है। ऐसी कंडीशन में आपका जो स्टील का जो डाया है वह मेंटेन रहता है, उसका डाया कम नहीं होता है। ISCode भी यही कहता है कि आपको स्टील का जो कपलर आप यूज करते हैं तो आपको कोल्ड फोर्जिंग के साथ ही स्टील को यूज करना चाहिए, न कि डायरेक्ट थ्रेडिंग कर। अब यदि दोस्तों आपको कोल्ड फोर्जिंग कर आपको कपलर का यूज करना है, तो कॉस्ट कंपैरिजन में क्या आएगा, तो कपलर का कॉस्ट सेम रहेगा, फोर्जिंग के लिए आपका जो रेट है वो थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें आपको फोर्जिंग करना रहता है फिर आपको थ्रेडिंग करना रहता है। तो 16 mm के लिए 20, 20 mm के लिए 30, वैसे ही 40 mm डाया के लिए 86 rupees। और जो आपका जो रेट रहेगा कपलर का वो अब क्या रहेगा, कपलर कॉस्ट विथ फोर्जिंग विथ थ्रेडिंग तो आपका कितना हो जाएगा, 45, 25 प्लस 20 45, 45 प्लस 30 75 और ऐसे ही लास्ट में 188 प्लस 86 274 rupees होगा 40 mm डाया के लिए। अब मैं बात करूं लैप के लिए, तो लैप के अंदर तो सेम रहने वाला है दोस्तों, 50D यदि मैं यूज करता हूँ,
शेविंग और कपलर की बात करें तो इसके अंदर 79-45 34, और जैसे जैसे डाया बढ़ेगा वैसे वैसे आपका शेविंग भी बढ़ेगा। कंपेरिजन टू थ्रेडिंग, इसका शेविंग जो है वो थोड़ा कम रहेगा क्योंकि इसके अंदर आपका फोर्जिंग भी यूज होता है। दोस्तों आपको रेनफोर्समेंट कपलर का पूरा ज्ञान लेना है तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए जहां मैंने कपलर्स पर बहुत वीडियो बनाए हुए हैं और आपको पूरी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।